बैक टू न्यू वीडियो लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे मैं सत्यम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि यूपी बीएड 2023 का रिजल्ट कब आएगा, और हर एक टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब तक आएगी, और इस बार की कट ऑफ क्या है ये कैसे जाने, और रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होने वाला, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि अब यूपी बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है तो ये सारी चीज़ें लगातार मन में आ रही है कि एग्ज़ाम के बाद आती भी हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट के बाद आंसर की कब आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आंसर की होता है। और आज एग्ज़ाम दिए 7 दिनों का समय हो चुका और आंसर की का कोई अपडेट नहीं है, तो मैं ये बताऊँगा कि आंसर की कब आएगा और क्या आंसर की का कोई बेनिफिट होता है यूपी बीएड में तो नहीं। हालांकि आप इस न्यूज़ से आप सभी लोग अवगत हों कि यूपी बीएड 15 जून को एग्ज़ाम कराएगी और 30 जून को नतीजे आएंगे, तो कहीं ना कहीं अब 7 से 8 दिन आप लोगों के पास है नतीजे आने के लिए, तो एक अच्छी न्यूज़ है कि 30 जून को आ जाएगी। और इस बार जिस तरीके से यूपी बीएड मूड में है तो आसार ये है कि 30 जून को आ जाएंगे, और डेट आगे पीछे भी होती है तो एक वीक से ज़्यादा आगे पीछे डेट नहीं होगी। तो आप लोग ये ठान के चलिए कि 30 जून को आपको एग्ज़ाम का नतीजे देखने को मिल जाएगा। तो अब समय नहीं है, हालांकि फिर भी आंसर की एक उम्मीद रहती है एग्ज़ाम के बाद, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आंसर की कब आएगी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल यूपी बीएड के साइट पे भी हमें देखने को मिलेगी, यूनिवर्सिटी के साइट पे भी देखने को मिलेगी, झांसी यूनिवर्सिटी के साइट पर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे। और 10 जुलाई से जो ये काउंसलिंग वाली न्यूज है, और हम नीचे ये भी बात किए कि काउंसलिंग कब होगी, तो 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें अभी तो यूपी बीएड का परफॉर्म देख के लग रहा है कि ऐसे ही होंगी, क्योंकि 15 जून को एग्ज़ाम करा दिया और 10 तारीख 30 जून को अगर रिजल्ट देता है तो 10 तारीख से काउंसलिंग हो सकती है। क्योंकि काउंसलिंग के पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो ये रहता है कि जब तक सारे यूनिवर्सिटी की रिजल्ट ना आ जाए, जब तक सारे यूनिवर्सिटी का यूजी का रिजल्ट ना आ जाए, जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट ना आ जाए, तब तक यूनिवर्सिटियाँ काउंसलिंग नहीं कराती। लास्ट ईयर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, लास्ट ईयर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम करा रही थी तो वे रिजल्ट दे दी थी अगस्त में, लेकिन उसके बाद से अक्टूबर में जाके काउंसलिंग कराई, क्योंकि काउंसलिंग तभी कराया जा सकता है जब तक सारे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा। क्योंकि कोई बच्चा है अगर वो टॉप 500 में अगर उसका रिजल्ट ही नहीं आया यूनिवर्सिटी का, तो काउंसलिंग कराएगा तो उस बच्चा ऐसे ही वंचित रह जाएगा। इसलिए अभी काउंसलिंग का मत सोचिए, रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग तभी कराएगी जब सारे यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि इस बार कोरोना के बाद से इस बार जो हुआ है टाइमिंग सुधरी है, तो इस बार हो सकता है कि 10 जुलाई नहीं तो 15-20 जुलाई तक काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। और इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि जो फर्स्ट फेज़ में जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं उनका 1 अगस्त से क्लासेज स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग को उससे हम बात कर लेते हैं आंसर की अब कब आएगी। तो यूपी बीएड का आंसर की का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यूपी बीएड में जो आंसर की आती है वे आती है रिजल्ट के साथ में। और आंसर की कैसे आएगी, रिजल्ट जैसे कि आंसर की ऐसे आएगा कि ऑप्शन ए का बी, बी का सी, तो उस आंसर की से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप कार्बन कॉपी घर लेके आए हैं उसमें आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा और आंसर की पे भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक उम्मीद के साथ कैसे मैच करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, या ना ही आप आंसर की पे कोई एक्शन ले सकते। जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत भी लगा वहाँ पर तो भी आप उसको लेकर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आंसर की में आप एग्जैक्ट वो क्वेश्चन ही नहीं मैच कर पाएंगे कि वे क्वेश्चन क्या है, कहाँ से था। तो आप लोग आंसर की पे एकदम फोकस मत करिए, यूपी बीएड का आंसर की एग्ज़ाम के रिजल्ट के साथ ही आता है, तो आंसर की का बहुत ज़्यादा महत्व तो यूपी बीएड में तो नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कट ऑफ कितनी जाएगी और रिजल्ट के बाद क्या। तो कट ऑफ का तो आप सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार थोड़े बच्चे कम हैं और थोड़ी सी जो पेपर है वे ईजी आए हैं, तो फिर भी लेकिन कट ऑफ 230 और 240 के बाद ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जनरल से 8 के लिए इतना कट ऑफ ही जाएगी। तो अगर आप लोग का इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ हैं। हालांकि हम आगे बात ये भी करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में किस कॉलेज की पर्टिकुलर फीस कितनी है, आपके घर के नज़दीक कौन सा कॉलेज है, ये सब भी हम बात करेंगे, और प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में मेजर डिफरेंस क्या है ये भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें साइंस के लिए तो आप 260+ लेके चलिए साइंस के लिए, क्योंकि सीटें जो हैं यूपी बीएड की वे सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए 7800 है। जनरल ओबीसी जो भी हैं आप लोग, जो जनरल सीटें हैं इतनी हैं, उसमें से 7100 जो है वे जनरल सीटें हैं और 700 ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, तो 7800 सीटें हैं पूरी। अगर आप मोटी मोटा 8000 भी इसको लेकर चले तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये डाउट आएगा कि हम 8000 के अंदर रहेंगे तभी, तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप लोग जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी हैं, तो अगर आप लोग 12000 रैंक भी ला रहे हैं
तो आप लोग को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे कि ऐसा क्यों होता। अगर आप एससी से हैं तो आप 20 नहीं, आप अगर 25,000 रैंक भी ला रहे हैं, 25,000 रैंक भी ला रहे हैं तब भी हो जाएगा। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 40,000 प्लस रैंक भी ला रहे हैं तब भी आपका होने का पूरा चांस रहेगा। तो इस समय पे आप लोग कट ऑफ वटऑफ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आप लोग के 240 नंबर बन रहे तो आप अपने पास के कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि कॉलेज मिलने के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होता है। आपको ऑनलाइन फीस दिखाएगा कुछ और कॉलेज जाने के बाद बहुत सारे पंगे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन इस बार का कट ऑफ जो है वे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसके लिए आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिए, क्योंकि पिछली बार 202 नंबर कट ऑफ गया था, तो इस बार 230 से तो कम नहीं जाएगा कुछ भी हो जाए। और इस बार बच्चे कम हैं, इसको जस्ट कट ऑफ इतना जाएगा, क्योंकि 2021 का जो कट ऑफ गया था, 2022 में हम लोग तो जो 2021 कट ऑफ गया था वो 240 नंबर प्लस गया था आर्ट वालों के लिए, तो आप लोग इस बार भी 230 मान लीजिए, इससे कम है तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इतना नंबर है। और लड़कियों के लिए थोड़ा सा स्पेशल कोटा रहता है, तो लड़कियों के लिए थोड़ी सी आसानी रहेंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह जा रहे हैं तो आप नीचे ज़रूर पूछ लें, और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस हम बता दें, और काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है ये चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं सर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।